हेलो गाइस, आई एम शिवकांत फ्रॉम शिवशक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आपका स्वागत करते हैं और आपको ग्रामर के हर एक चैप्टर पढ़ाने की कोशिश। हमारा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश कैसे सीखें। इसके पहले भी हमारा एक चैनल था जिसका आईडी पासवर्ड लॉस हो जाने के कारण वो रिकवर नहीं हो सका, जिस कारण हम नए वीडियो नहीं डाल पा रहे और आपकी मदद नहीं कर पा रहे। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें आप बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। सीरीज में हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉडल। मॉडल मींस होता है सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब, जो कितनी होती है 11 होती हैं, और टेंस की कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं 13 होती हैं। तो 13 और 11 मिला के 24, पूरे इंग्लिश में 24, उससे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं। आज हम आपको बहुत ही मजेदार मॉडल्स पढ़ाने वाले हैं। पहला आपका है वुड है, जब आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो, जैसे कि जाऊंगा, फिर बोलूंगा, फिर लिखूंगा, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं आप वुड। फॉर्मूला मॉडल का बिल्कुल कंसेप्ट हमारा वर्क करता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वुड होना चाहिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह आम खाएगा, वह आम खाएगा, तो इसका हो जाएगा ही, फिर हो जाएगा वुड, और फिर हो जाएगा ईट, और फिर मैंगो। तो आम खाएगा ही, वुड, ईट, मैंगो। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस, वे पानी बचाएंगे, वे पानी बचाएंगे, तो इसका हो जाएगा दे, और फिर हो जाएगा शुड, ओ दे वुड, और फिर हो जाएगा सेव, और फिर हो जाएगा वाटर। और वे पानी नहीं बचाएंगे तो हो जाएगा दे वुड नॉट सेव वाटर। तो इसको बिहाफ, जैसे हम बिल और शैल में इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि जाऊंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर विल और सेल का, उसी तरीके से वुड का। अब विल, सेल और वुड में अंतर क्या है वो हम आपको शायद इसी वीडियो में या अगले वीडियो में, दोनों में अंतर और दोनों को फिल इन द ब्लैंक करवाएंगे। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो ये है कि मी और माइट में क्या डिफरेंट होता है और कैन और कुड में क्या डिफरेंट होता है। मोस्टली हम फिल इन द ब्लैंक करते समय बहुत ही कंफ्यूजन में होते हैं कि मी और माइट का कैसे फिल करें यार, और कैन और कुड का। तो देखो, कैन मतलब होता है सकता हूं, जा सकता हूं, बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, और कुड मतलब क्या होता है, सकता था, जा सकता था, बोल सकता था। तो यदि हमारा सेंटेंस पास्ट से हो, बीते हुए समय से, तो कुड, और प्रेजेंट में हो तो कैन। जैसे हमने कहा आई डस्ट एस डू इट इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। अब ये देखो क्या है, यहां पर कैन है और दूसरा कुड है। तो हमने कहा आई डस्ट एस डू इट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में कर सकता हूं कि बचपन में कर सकता था। अब कर सकता हूं तो हो नहीं सकता, मैं बचपन में कर सकता था। तो जो चाइल्डहुड है ये बताता है कि हमारा सेंटेंस किससे बिलोंग करता है, पास्ट से करता है। इस कारण यहां पर क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए। ठीक है, अगला मान लो कहीं पर ऐसा है, यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हो। अब यहां पर कैन है और कुड है। हमने देखा कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, क्योंकि पास्ट का कोई हिंट ही नहीं दिया है। यदि ऐसा है कि यू डू इट स्टडी, क्या आप ये कल कर सकते थे, स्टडी दिया हो, लास्ट डे दिया हो, लास्ट वीक दिया हो, लास्ट मंथ दिया हो, इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, कैन। तो यदि आपको कभी भी सेंटेंस में लास्ट डे, बिफोर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, 2011, 2005 हो, तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करो, कुड, क्योंकि ये सेंटेंस हमारे पास्ट से बिलोंग करते हैं, और यदि नहीं दिया हो तो फिर वो हमारा प्रेजेंट ही होगा। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक। कैन किसके लिए, सकता हूं, प्रेजेंट के लिए, और कुड क्या, सकता था, पास्ट के लिए, फिल इन द ब्लैंक करते समय। तो ये हमारे यूजेस रहे। नेक्स्ट जो हमारा यूज है वो है मे और माइट। हमने कैन और मे में आपको बताया था कि कैन पावर के लिए और ये रिक्वेस्ट। दूसरा, अभी जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों संभावना बताने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, संभावना बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटीज बताने के लिए कि शायद वह आ सकता है, शायद बारिश हो सकती है, शायद वे जा सकते हैं। तो इट डस्ट रेन टुडे, और दूसरा है इट
डस्ट एस रेन लास्ट वीक, रेन लास्ट वीक। अब ये जो हमारे संडेस हैं, इसमें हमारा है मे और दूसरा है माइट। तो फ्रेंड ऐसे सेंटेंस में जब आपको लगे कि हमारे काम प्रेजेंट में हो रहे, प्रेजेंट में कोई संभावना है बता रही है कि बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, शायद हुए, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? यहां पर हम प्रेजेंट में मे का इस्तेमाल करने वाले हैं और पास्ट में हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? माइट का, फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में। तो प्रेजेंट में मे का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट में हम माइट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक करते समय फ्रेंड इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा एक्यूरेट मॉडल कहाँ जाने वाला है, और उसके बाद फिर चीजों को क्लियर करें कि जितने भी कैन और कुड में अंतर, कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट, ये दोनों पॉसिबिलिटी के लिए, तो मे प्रेजेंट, माइट पास्ट, और वुड का फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो फ्रेंड जो वीडियो आप समझ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, यही वीडियोस अपने फ्रेंड्स को प्रोवाइड करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें और आप भी इंग्लिश सीख सकें। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि हम आपकी मदद करते रहें। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ।